गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस स्टोरी के अंदर क्या है, इस ये चैप्टर लिखा किसने है, विलियम सेरोन ने। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, चैप्टर के नाम के अंदर ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल है, तो समर का सीजन था तब। वन समर मॉर्निंग नरेटर का एक कज़न था मुराद, वो उसके घर आता है सुबह के 4 बजे और उसे उठाता है, उसकी विंडो पे टैप करके, मतलब गेट खटकाते हैं हम ऐसे, विंडो पे खटका के अपने कज़न को वो उठाता है। और जो नरेटर है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी, नरेटर वॉज सरप्राइज टू सी मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो क्या देखता है जब वो उठता है, मुराद उसके कज़न को बैठा हुआ देखता है किस पे, एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पे। मुराद आस्क हिम टू बी क्विक इफ़ यू वॉन्टेड टू राइड, तो मुराद उससे क्या पूछता है, क्या तुम भी इस पे राइड लेना चाहोगे। द नरेटर अरम लॉन्ग टू राइड एंड जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड हिज कज़न मुराद। तो नरेटर क्या करता है, यार्ड की साइड से जम्प करके विंडो से लीप, मतलब ऊपर हॉर्स के ऊपर, बिहाइंड मुराद उसके कज़न के पीछे बैठ जाता है। एंड सिंस अर्मेनियन फैमिलीज वर क्वाइट पुअर, अरम कंक्लूडेड दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स। तो उनकी उनकी फैमिली क्या थी, वो पुअर, थोड़े गरीब थे, तो उसको क्या लगा कि उसका कज़न मुराद इस हॉर्स को चुरा कर लाया है। दे रोड एंड मुराद सैंग, देन मुराद हैड टू जॉय राइड अलोन, इट सीम्ड ही हैड अ वे विद अ हॉर्स, फॉर व्हेन अरम ट्राइड टू राइड अलोन द हॉर्स थ्रू होम ऑफ एंड रैन अवे सिंस इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, मुराद हिट द हॉर्स इन द हैम ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड दैट आफ्टरनून। फार्मर जॉन बायरो विजिटेड द नरेटर हाउस एंड रिलेटेड हिज पाइट, हिज वाइट हॉर्स हैड बीन मिसिंग फ्रॉम ओवर अ मंथ। अंकल खुसरो साइलेंस्ड हिम एंड हिज रोरिंग कमांड, अरम रिपोर्टेड एवरीथिंग टू मुराद एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द हॉर्स टिल ही लर्न टू राइड, मुराद डिड नॉट एग्री। अ चांस मीटिंग, अब इसके अंदर क्या है, दे रोड एंड मुराद सैंग, तो वो रोड राइड की सेकंड फॉर्म है, वो उस पर राइड लेते हैं, मुराद गाना गाता है, वो बहुत खुश होते हैं वो राइड लेते हुए। और जब उसके बाद अरम वापस आता है अकेला हॉर्स पे राइड देते हुए, हॉर्स उसे नीचे गिरा देता है और भाग जाता है, थ्रू हिम गिराना एंड रन अवे भाग जाना। सिंस इट वॉज ब्रॉड डे लाइट मुराद हिट द हॉर्स इन द हैम ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड, मुराद ने उस हॉर्स को छुपा रखा था कहाँ पे, वाइनयार्ड के डेजर्ट में। तो उसके पास उसी दोपहर को कौन आता है, दैट आफ्टरनून एक फार्मर आता है जो कि जिसका वाइट हॉर्स मिसिंग होता है। तो एक अंकल है स्टोरी में, अंकल खुसरो, वो उसे साइलेंस करता है। अरम रिपोर्टेड एवरीथिंग, जो नरेटर है वो क्या करता है, पूरी स्टोरी मुराद को बता देता है कि ऐसे ऐसे ही एक फार्मर का हॉर्स है जो कि मिसिंग है, और वो उसे क्या रिक्वेस्ट करता है, हॉर्स को रखने के लिए जब तक वो राइड नहीं सीख जाता, मतलब उसे लालच आ जाता है, वो उसे सच नहीं बताता कि वो हॉर्स उनके पास है, लेकिन वो उसे क्या कहता है, हॉर्स हम ही रख लेते हैं जब तक हम राइड करना नहीं सीख जाते। अ चांस मीटिंग विद फार्मर जॉन ब्राय आफ्टर फोर्टनाइट फॉर्म्ड अप हिज डिसीजन। जॉन ब्राय हैड बिलीव द बॉयज सिंस ही न्यू देयर फादर वर फुली अवेयर ऑफ द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी। मुराद रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर देन नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, तो जॉन ब्रायो जो था, जिसका वो हॉर्स था, वो उसे बिलीव होता है, उसे विश्वास होता है कि वो जानता होता है उनकी फैमिली को, उसे विश्वास होता है कि जो हॉर्स है वो उनके पास ही है। और फिर वो क्या करता है, उसे पता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा, उनका नाम है, वो ऑनेस्टी के लिए अपनी जाने जाते हैं, वो ईमानदार हैं। तो क्या करते हैं मुराद, अगले दिन उसको वो हॉर्स लौटा देता है। तो उसके अंदर क्या है, दो जनों की स्टोरी है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि एक जने को लालच आ जाता है, लेकिन एक नहीं भूलता कि हम ईमानदार इंसान हैं, हमें ईमानदारी नहीं भूलनी चाहिए, और वो हॉर्स वापस कर देता है। ठीक है बेटा, चैप्टर रीड करना, स्टोरी मैंने आपको बता दी है, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।